how can someone make their career in a biddable market? So, sir, would you like to tell me about the job scenario in this biddable market scene, and how should someone prepare for it? Yes. Yeah. So after COVID, everybody has observed, everything is moving around digital only, right? सब कोई घर पे बैठे हैं थैंक और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, बट स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, और मिड साइज बिजनेस, कैसा भी बिजनेस है, उसको रीच आउट करने के लिए डिजिटल का यूज करना ही करना है, बिकॉज दे वांट टू रीच आउट टू देयर ऑडियंस बाय, बिकॉज दे वांट टू डू देयर मार्केटिंग बाय डिजिटल, राइट? सो डिजिटल हैज बिकेम द की एज ऑफ नाउ. And if I talk about the Indian population, which is around 140 crore, and if I talk about the digital population of India, and which is around 65 to between 65 to 70 crore, right? And which is approximately 45 to 50% of the entire digital entire population of India. So that's a very big number, right? So अब हर एक को अपनी मार्केटिंग वाई डिजिटल करनी है, लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता करने के लिए, राइट? सबके पास नहीं होता कि वो बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया पे, राजस्थान पत्रिका पे, दैनिक भास्कर पे, अमर उजाला पे बड़े बड़े होल्डिंग लेके वहाँ पे लगाए जाके और इतना पैसा खर्च करे. हर एक को हर चीज इकोनॉमिकल चाहिए और बड़ी फास्ट चाहिए, राइट? किसी के पास इतना टाइम नहीं, ना किसी के पास इतना पैसा है. और इंडिया में यही दो ऐसे मीडियम है, फेसबुक और फेसबुक गूगल इंस्टा और यूट्यूब, जहाँ से आप अपने ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड यहीं पे है. जनरली पीपल 1 से 1.5 से 2 घंटा डेली स्पेंड करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. तो बढ़िया है ना कि आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे आपको रिजल्ट्स जल्दी फास्ट के फास्ट मिल जाए, प्लस आपकी चीजें जल्दी से जल्दी आसान हो जाए. तो उसको करने के लिए ना पीपल आर स्काउटिंग फॉर दोज एट दोज मार्केटियर हु नो हाउ टू रन कैंपेन्स ऑन फेसबुक इंस्टा गूगल यूट्यूब, राइट? सो दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि दिस हैज बिकेम ए की प्लेटफॉर्म फॉर एवरी एवरी मार्केटियर और प्लस और एज एवरी एडवर्टाइजर, कि वो कम से कम पैसे में उनको ज्यादा से ज्यादा आरओआई आ जाए और इंस्टेंट आरओआई आ जाए. तो इसलिए ये दो या तीन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छे से अपने आपको स्किल को ऑन करके यू कैन इजीली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड इफ आई टॉक अबाउट आउटसाइड ऑफ इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर द पीपल फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम फिलीपींस और श्रीलंका, जिनको फेसबुक गूगल अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी उनके लिए सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए काफी अच्छा है. एंड फॉर ए मंथ दे इजीली गिव यू ना 2,000 to 3,000 dollars पर मंथ, व्हिच इज अराउंड व्हिच इज रेंजिंग बिटवीन 1.5 टू 2.5 लाख पर मंथ. और ये कोई मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है एज ए बिगिनर के लिए, या जो भी कोई कॉलेज में जा रहा है, या जितने भी कॉलेज पूरा किया जिसको नौकरी नहीं मिला, एंड ही कैन इजीली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय फ्रीलांसिंग फ्रॉम ऑल दिस फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज. राइट राइट राइट.